हर हर महादेव केदारनाथ धाम वीडियोग्राफी न्यू अपडेट। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो केदारनाथ धाम मौज मस्ती करने जाते हैं और रील बनाने जाते हैं। उन सभी के लिए एक नया अपडेट आ चुका है और वही अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चार धाम की यात्रा चल रही है और अभी दो वीक भी नहीं हुए और केदारनाथ धाम में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। मैं लोग बोल रहा हूँ, मैं भक्त नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भक्त नहीं है, ये मौज मस्ती करने वाले लोग हैं जो अपने दोस्तों से बोलते हैं चलो केदारनाथ घूमने जाते हैं। इन लोगों ने केदारनाथ धाम को घूमने का अड्डा बना रखा है, वहाँ जाना है, दारू पीनी है, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके जाना, मौज मस्ती करके, डांस करके, रील बना के वापस आ जाना है और फिर उन वीडियो को अपलोड करके उसके माध्यम से लाखों रुपए कमाना है। तो ये काम अब हर साल हो रहा है। पिछले साल भी बहुत भयंकर भीड़ थी और इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में हो रखी है। कपाट खुलने से तीन चार दिन पहले लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं। पूरी की पूरी टीम होती है इनकी, कोई ड्रोन उड़ाता है, कोई वहाँ डांस करता है, कोई अपने आप को भोले का भक्त बता के वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई ट्रेन में चढ़ के सीधा केदारनाथ धाम निकल के वीडियो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर रहा है। मतलब हद कर रखी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। इनको तो केवल वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना इनका मकसद होता है, इन्हें भक्ति से कोई मतलब नहीं होता। इन्हीं के कारण वो लोग भी दर्शन नहीं कर पाते जो सच्चे मन से केदारनाथ धाम जाते हैं, उनको घंटों लाइन में लगने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाते। मेन इन्हीं लोगों की वजह से जो वहाँ जाके रील बनाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक अपडेट आ चुका है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस समय केदारनाथ धाम मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो देखिए मैं आपको केदारनाथ धाम की भीड़ दिखा देता हूँ और देन मैं वो आपको अपडेट दिखाऊंगा जो कि उन सभी लोगों को देखना चाहिए जो केदारनाथ धाम जाके रील बनाने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके ड्रोन उड़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर वीडियो अपलोड करेंगे। पहले तो आप ये रिकॉर्ड देखिए, केदारनाथ धाम में नया रिकॉर्ड, 8 दिन में 2 लाख तीर्थयात्री पहुँचे, मात्र 8 दिन में। देखिए अभी केवल 8 ही दिन में है यात्रा को, 10 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस वर्ष नया रिकॉर्ड बन गया है। कपाट खुलने के 8 दिनों में धाम में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 2.17 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गया है। शुक्रवार को धाम में रिकॉर्ड 32,253 श्रद्धालु पहुंचे। कपाट खुलने पर धाम में 29,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो यात्रा के इतिहास में रिकॉर्ड है। अब देखिए पहले दिन 29,000 लोग वहाँ थे और ये ऐसे लोग होते हैं ये कपाट खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनको पता है जो भी वीडियोग्राफी करनी है पहले ही करनी है और देन फिर बाद में अपलोड करना शुरू करना है। इसके बाद 11 मई को 22,599 और 23 मई को 23,510 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। यात्रा के पहले सप्ताह में केदारनाथ में प्रतिदिन औसतन 26,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इससे पूर्व 2022 में 3 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई थी, तब यात्रा के 8वें दिन कुल दर्शनार्थियों की संख्या 151,970 हुई थी, जबकि 2023 में 25,000 से यात्रा शुरू हुई थी और 8वें दिन तक धाम में 116,108 से भक्तों ने दर्शन किए। तो यहाँ मात्र 8 दिन में ही देखिए 2 लाख लोग पहुँच चुके हैं और आप यकीन मानिए इनमें से 99% लोग सिर्फ मौज मस्ती वाले लोग हैं जिनको सिर्फ केदारनाथ धाम घूमने की जगह लगती है, इनको दर्शन से कोई मतलब नहीं होता। इन्हीं लोगों के कारण गर्भगृह में जाने भी नहीं दिया जाता और जो वहाँ के होटल वाले होते हैं वो भी हाई फाई प्राइस मांगते हैं। खैर अब मैं आपको वो अपडेट दिखाने वाला हूँ जो उन सभी लोगों को देखना चाहिए जो वहाँ जाके रील बनाने की सोच रहे हैं। यहाँ देखिए ये अपडेट है, धामों में मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फ़ोन पर रोक। चार धाम के मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी। ऐसे में धामों में श्रद्धालु ना मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। मतलब देखिए सरकार को भी पता है वहाँ क्या काम चल रहा है, यानी कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ और ये चीज़ आपको भी पता है। आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद वहाँ जाके रील बनाने वाले होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो केवल दर्शन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिव पर्यटन
को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि चार धाम में इस बार पिछले सालों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। इतनी बढ़ती भीड़ के कारण धामों में दिक्कत ना हो, इसके लिए भीड़ को नियंत्रण किया जा रहा है। धामों में मंदिर परिसर में मोबाइल से फोटो खींचने, वीडियो बनाने में श्रद्धालु काफ़ी समय लगा रहे हैं। इसके कारण आसपास अनावश्यक भीड़ हो रही है। रील बनाकर लोग गलत संदेश दे रहे हैं, ये एक तरह का जुर्म है। ऐसा करने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाएगी। यात्रा के लिए जाने वाले आस्था श्रद्धा के साथ आते हैं। जो रील बना रहे हैं उससे साफ है कि वो श्रद्धा और आस्था से नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ घूमने और रील बनाने आ रहे हैं। देखा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है वही बात इसमें लिखी है। इसके कारण श्रद्धा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परेशानी खड़ी की जा रही है। किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे, जो लोग ऐसा करें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, वहाँ यानी केदारनाथ धाम में मोबाइल पर बैन लगा दिया गया है। अब वहाँ आप रील नहीं बना सकते, और अगर आपने रील बनाने की कोशिश की तो जो पुलिस वाले हैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और जो भी आपका डाटा होगा उसको डिलीट करेंगे। मैं भी बस यही अब प्रार्थना करना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम में उन लोगों को दर्शन मिले जो सच्चे मन से वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं, और जो वहाँ रील बनाने जा रहे हैं उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। केदारनाथ धाम तो देखिए मैं भी जाता हूँ, मैं हर साल लेकिन लास्ट में जाता हूँ। अगर मुझे खुद ही वीडियो बनाने का शौक़ होता तो मैं स्टार्टिंग में जाता, बट मुझे ऐसा शौक़ नहीं। मुझे तो केदारनाथ धाम जाके भोलेनाथ के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल दर्शन करना होता है, वीडियो बनाना नहीं होता। और इसी तरह की जानकारी मैं लोगों को भी देता हूँ ताकि वो सही तरीके से अपनी यात्रा कर सके। केदारनाथ धाम मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, वो केवल भोलेनाथ का वो धाम है जिसका एहसास केवल उन लोगों को हो सकता है जो केदारनाथ धाम सच्चे मन से जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा जो इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई हम तो रील बनाने जाएंगे। तो देखिए, आप अगर वहाँ रील बनाते हैं तो फिर आपके खिलाफ जरूर एक्शन होने वाला है। आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह के अपडेट लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।